यूपी के फैजाबाद में नौकरी दिलाने के नाम से ठगी का मामला सामने आया है। करीब 58 लोगों ने शपथ पत्र देकर सपा सरकार पर ठगी करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि नौकरी देने के नाम पर सपा नेताओं ने पैसे लिए हैं। लोगों का कहना है कि नेताओं ने करीब करोड़ों रुपए की ठगी लोगों से की है, जिसको लेकर छात्र संघ के अध्यक्ष ने सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। सीजीएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर 12 जून को सुनवाई की तारीख दी है। वहीं राज्य मंत्री ने इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बताया है।